हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। ये मेरा चैनल है शेयर मार्केट फ्रेंड। यहाँ पे वीडियोस भी क्लिक करते हैं तो आपको सब वीडियोस दिखेंगे। ओके, तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक जो सबसे आज का बड़ा न्यूज़ था सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। कुछ न्यूज़ मार्केट में, न्यूज़ फ्लो जो मार्केट में घूम रहा था, तो वो चक्कर में ये शेयर आपको तो पता होगा कि लगभग 11-12% नीचे जाके 8% की लो पे सेटल हुआ। तो ये लगभग पिछले एक साल से जो लेवल पे जूझ रहा था 450 वगैरह, तो वो उसने ब्रेक कर दिया और बहुत मल्टी ईयर अभी ये लो के, 2-3 साल के लो के भी नीचे चला गया। ओके, तो ये सन फार्मास्यूटिकल का एक शेयर में फॉल आया था। और दूसरा फॉल था इसकी जो सब्सिडरी या फिर रिलेटेड कंपनी है सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी, जिसे स्पार्क भी कहा जाता है, तो उसमें भी वन डे में लगभग 13.5% का फॉल आ गया। सन फार्मा में तो फिर भी शॉर्ट कवरिंग आ गई थी, सन स्पार्क में तो शॉर्ट कवरिंग भी नहीं आई। ओके, तो इसका जो ओवरऑल मेन इशू है, जो प्रॉब्लम है, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे समराइज करके रखे हैं। वैसे तो आपको पता ही चल ही गया होगा, एक्चुअली पूरा दिन यही घूम रहा था सब न्यूज़ में, टीवीज़ में वगैरह वो सब। तो एक्चुअली ये वीडियो इतना प्रिसाइज नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि ये जो मैटर है पूरा अनसर्टन है। कुछ एलिगेशंस हैं, कुछ क्रॉस एलिगेशंस हैं और कुछ इंफॉर्मेशन पीस मिसिंग है। तो ओवरऑल एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ मैं, कि सबको जो पता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका ट्रुथफुलनेस किसी ने वेरीफाई नहीं किया है और कोई एंड कंक्लूजन इसमें नहीं है। तो बेसिकली ये सब मैटर जो स्टार्ट हुआ वो था मनी लाइफ करके न्यूज़ मीडिया कंपनी है जो शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड है। तो ये उसकी वेबसाइट है, ये उनकी वेबसाइट पे सन फार्मा का विसल ब्लोअर कंप्लेंट। एक्चुअली मनी लाइफ ने पहले भी सन फार्मा से रिलेटेड विसल ब्लोअर, मतलब विसल ब्लोअर बेसिकली क्या होता है, किसी के पास अगर कुछ खबर हो, कंपनी कुछ गलत कर रही है या किसी को कुछ बता नहीं रही है, तो वो खबर वो डायरेक्टली जाके सेबी को बता सकता है। तो वैसे जो पर्सन है, एंटिटी है, उनको विसल ब्लोअर कहा जाता है। और उनको एक एक्ट से प्रोटेक्शन भी दिया गया है कि विसल ब्लोअर अगर आप हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाती, आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है वगैरह वगैरह। बहुत सारे अमेंडमेंट 3-4 साल पहले आए हैं, तो वो पॉलिसी के अंडर जो ये मनी लाइफ है उसने बहुत सारे डिस्क्लोजर सन फार्मा से रिलेटेड पहले भी किए हुए हैं, और उसके वजह से भी ये शेयर पिछले एक साल में कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यूज में घूम रहा है। तो वैसे ही सेम एक इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था, वो था रिलेटेड टू आदित्य मेडिसेल्स के बारे में। वो मैं बताता हूँ उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया हुआ है जो मार्केट में घूम रहा है। एक्चुअली इन्होंने ये रिपोर्ट का लिंक इनके वेबसाइट पर अपलोड किया था, तो ये 172 पेज का रिपोर्ट था। यहाँ पे उन्होंने उसका समरी टाइप दिया हुआ है, तो उन्होंने ये एक्सेस टू ये दिया था। मगर आप अगर इस पर क्लिक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये एक्सेस इन्होंने अभी, पहले लोग कह रहे थे कि एक्सेस था, बट अभी इन्होंने निकाल दिया, उनका लोकेशन एड्रेस दिया हुआ है। ये एड्रेस अगर आपको चाहिए तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और पर्टिकुलर लोगों को वो अलाउ कर रहे हैं एक्सेस। ओके, तो फिलहाल तो मुझे एक्सेस नहीं है इसका। तो ये जो इन्होंने समरी दिया हुआ है और जो मार्केट में न्यूज़ फ्लो घूम रहा है उसको हम अज्यूम करते हुए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि उनके जो रिपोर्ट में वो क्या उन्होंने बताया हुआ है। एक्चुअली उसका पार्शल पार्ट है। तो सुरक्षा रियलिटी करके कंपनी है जिसके ओनर या फिर प्रमोटर हैं सुधीर वालिया। ओके, और ये सुधीर वालिया जो है ये को प्रमोटर हैं सन फार्मा के अंदर भी। तो अभी एक ही आदमी दो कंपनी के हेड या फिर टॉप में है। ओके, तो ये जो सुरक्षा रियलिटी, इसके साथ सुरक्षा रियलिटी कंपनी ने आदित्य मेडिसेल्स, ओके, इनके बीच में कुछ ट्रांजेक्शन है और उसका अमाउंट था 5,800 करोड़। ओके, और वो 2014 से 2017 के बीच में हुए। तो ये ट्रांजेक्शन थोड़ा सा अमाउंट वैरी हो सकता है और अलग अलग ट्रांशेज में हुए थे। तो इन दोनों के जो ओनर्स हैं या फिर टॉप के जो लोग हैं वो एक ही कंपनी से रिलेटेड है और वो है सन फार्मा। तो जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नाम का एक रूल है, उसके अंदर अगर आप ऐसे सेम ओनर हैं या फिर आपसे रिलेटेड कोई कंपनी से बेनिफिशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी, या फिर आपको इसे एट डिस्टेंस ऑफ हैंड आपको मेंटेन करना है और ऑफिशियली जो रेगुलेशन है वो हिसाब से एग्जीक्यूशन करना है। ऐसे बहुत सारे रूलिंग्स हैं। तो उन्होंने उसको वायलेट करते हुए उनके साथ ट्रांजैक्शन किया आदित्य मेडिसेल्स में थ्रू सुरक्षा रियलिटी। ओके,
और ये खास बात बता दूं कि ये सुधीर वालिया जो है जो इसके को प्रमोटर हैं सन फार्मा के, वो साथ में ब्रदर इन लॉ भी हैं एमडी जो सन फार्मा के हैं दिलीप सिंघवी के। ओके, तो इन्होंने ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया, ये इन्होंने 2017 या 18 में जब से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रेगुलेशन लागू हो गया तब ओपन किया। तो ये मनी लाइफ का कहना है कि ये ट्रांजैक्शन जो ये कर रहे हैं, ये ऐसा ट्रांजैक्शन बहुत सालों से कर रहे हैं, और ये मनी आदित्य मेडिसेल जो कंपनी है बहुत सालों से 10-15 सालों से कुछ एग्जिस्ट करती है। तो मनी लाइफ का कहना था कि अगर ये इतने पहले से इसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे रिलेटेड पार्टी, तो इन्होंने पहले इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं बताया। तो अभी अगर ये सही है, अगर अज्यूम करते हैं, तो फिर मनी लाइफ की न्यूज़ को हम मतलब ऑब्जेक्शन को सही एक तरीके से मान सकते हैं कि अगर ऐसा रिलेटेड पार्टी टाइप ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो सबको बताया क्यों नहीं गया। ओके, तो ये उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया। तो इसमें शेयर का गिरने का क्या इशू था? तो एक्चुअली ऐसे ही जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इश्यूज है, फाउंडर ने अगस्त में एक बार ऐसा दूसरा जो इनसाइडर ट्रेडिंग का इशू था वो सेटल किया था। उसके बाद में लास्ट मंथ एमडी दिलीप सिंघवी और ब्रदर इन लॉ से रिलेटेड एक विसल ब्लोअर का ये आया था, डिस्क्लोजर आया था। तो ऐसे दो तीन कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आने की वजह से जो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको फियर लगने लगता है कि कंपनी कुछ तो छुपा रही है या फिर कुछ अनवांटेड एक्टिविटी कर रही है जो नहीं करना चाहिए, तो उसके वजह से ये लोग शॉर्ट करने शुरू कर देते हैं या फिर सेल करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें फ्यूचर इसका ब्लिक है, भले वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो या फिर उसका पास्ट कितना भी अच्छा रहा होगा। तो वो वजह से शायद आई अज्यूम कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर बहुत सारे लोगों ने इसको शॉर्ट किया और उसके वजह से ये शेयर गिरा। तो अभी इसमें कुछ सवाल उठते हैं। तो ये तो हो गए मनी लाइफ की तरफ से, तो अभी इस पे सन फार्मास्यूटिकल्स का क्या कहना था? तो एक्चुअली ये जब पूरा शुरू हुआ तो ये आप रिपोर्ट का डेट देख सकते हैं यहाँ पे। ये देवाशीष बासु जो मनी लाइफ के फाउंडर हैं, उन्होंने 16 जनवरी मतलब एक दिन पहले ये मोस्टली रिपोर्ट आया हुआ है, मुझे तो पता नहीं था ये कल परसों वगैरह, तो ये डेट के हिसाब से तो कल परसों आ रहा है। तो मनी कंट्रोल जो न्यूज़ मीडिया ग्रुप है, तो उन्होंने ये न्यूज़ में पब्लिश किया 18 तारीख को, और वो न्यूज़ को लेकर एक्सचेंजेस ने इनको नोटिस भेजा कि ऐसा कोई न्यूज़ मीडिया में आ रहा है वो सही है क्या, उसके बारे में आपको कुछ पता है क्या, वगैरह वगैरह बोल सब। ओके, जब शेयर गिरा मतलब आज सुबह ही बोल सकते हैं 12% और बस फ्रेश और फ्रेश कंप्लेंट। ओके, तो फिर उसके रिस्पांस में एक्सचेंजेस ने उनको ये कुछ क्वेश्चन पूछे कि इसके बारे में आपको कुछ पता था क्या, तो उसके बारे में उन्होंने बोला है कि हमको ये 172 पेज का विसल ब्लोअर कंप्लेंट के बारे में कुछ पता नहीं है। ओके, और दूसरा ऐसा कुछ हुआ है क्या वगैरह, तो हर चीज़ का इन्होंने निगेशन में आंसर दिया कि इनको कुछ पता नहीं है। बाद में सन फार्मा ने लेट 3-4 बजे जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो एक लेटर लिखा है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, तो उनका कहना है कि ये जो रिपोर्ट है ठीक है, आपके पास विसल ब्लोअर हो, आपके पास कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है जो गलत हो रहा है, तो आप वो सेबी को बता रहे। तो फिर सन फार्मा का कहना है अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप वो सिलेक्टिव लोगों को क्यों दे रहे हो? तो उनका कहना था कि ये जो मनी लाइफ की साइट है उनके ऊपर उन्होंने सिलेक्टिव लोगों को पहले तो ये एक्सेस दिया था, इनका प्रीमियम कंटेंट में इन्होंने काउंट किया था, तो ऐसे सिलेक्टिव लोगों को ये कैसे एक्सेस दे सकते हैं? इसके वजह से जो रिटेल ट्रेडर्स हैं मतलब हमारे जैसे जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, वो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन दे के स्पेक्यूलेशन जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश की गई है, ऐसा सन फार्मा का कहना था। ओके, तो पहला एलिगेशन मनी लाइफ के तरफ से कि विसल ब्लोअर का इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जो हम देने वाले थे या फिर दिया था सेबी को। दूसरा क्रॉस एलिगेशन इनकी तरफ से सन फार्मा का कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं और ऐसा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ओके, ये दोनों स्टैंड क्लियर हो गए। उसके बाद ये तो वो डिस्क्लोजर ही है जो सेबी के बीएससी पे फाइलिंग पे आया। ओके, तो इसके बैकग्राउंड में ये जब पूरा मैटर हो रहा है तो इसके साइड में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, कि ओवरऑल ये मैटर्स रिलेटेड तो सन फार्मास्यूटिकल्स के एनुअल रिपोर्ट मैंने ओपन किए तो इनका जो पहले का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं टोटल इनकम था ये तो अच्छा खासा है, मतलब 44,000 मिलियन से लेकर 273,000 मिलियन तक इनका रिच हुआ है कंटिन्यू 9-10 सालों में, और रिसेंटली एक डिप आया है इनकम में
वो एक समझ सकते हैं कभी आ सकता है एक खास साल, बट कंटिन्यू इनका ग्रोथ है। उसके बाद नेट प्रॉफिट बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ लास्ट ईयर में, बट पिछले 9-10 सालों में इनका कंटिन्यू ग्रोथ अच्छा खासा हुआ है। सेम आरएनडी इन्वेस्टमेंट में भी इन्होंने अच्छा खासा ग्रोथ किया है, रिजर्व्स भी इनके अच्छे खासे हैं, कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मतलब नेटवर्थ से रिलेटेड डेटा है तो वो भी अच्छा खासा है। उसके बाद पी जो है अर्निंग जो है जो मेन इन्वेस्टर्स या फिर देखते हैं तो उसमें ड्रॉप आया, तो वो हिसाब से शेयर भी गिरा है तो वो भी जस्टिफाई हो सकता है। मगर इनकी ग्रोथ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि इन्होंने कंसिस्टेंटली ग्रोथ किया हुआ है, तो ये एक साइड है कि कंपनी चल तो रही है अच्छी, अच्छा खासा इनकम आ रहा है रिसेंटली, थोड़ा बहुत मतलब सिग्निफिकेंटली प्रॉफिट में डिप आया है, तो हिस्ट्री वाइज तो कंपनी में कुछ इश्यूज दिखाई नहीं देते। ओके तो और दूसरा पॉइंट मनी लाइफ की तरफ से, अगर उनको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ इश्यूज हैं तो वो एक उनकी गलत बात हम समझ सकते हैं कि उन्होंने एक गलत भी नहीं बोल सकते, अगर एक असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का जो पॉइंट है सन फार्मा ने बोला वो सही समझ सकते हैं, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है जो आप हैं जो मैं हूँ जो सब लोग हैं इनको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है और ये खुद का खुद उनके अंदर ही इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और शेयर को शॉर्ट कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ देखते रह रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोई न्यूज़ कमेंटर उस पर आएगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देगा, थोड़ा कुछ बोलेगा और फिर हम वो हिसाब से हमारा स्ट्रेटेजी जो डिसाइड करेंगे, खास करके जिसके पास 5,000 के शेयर्स है, जिसके पास 10,000 है, 50,000 या फिर छोटा अमाउंट है कंपेयर टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो करोड़ों में डील करते हैं, तो उनके साथ एक काइंड ऑफ इनजस्टिस है। और दूसरा सेबी का भी एक पॉइंट सही है कि अगर सेबी के पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि विसल ब्लोअर पॉलिसी वैसी है कि विसल ब्लोअर जो भी है उसका नाम और इन्फॉर्मेशन जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो मनी लाइफ ने ही एक छोटा सा ये जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने का एक तरीके से गड़बड़ी वाला जो रास्ता अपनाया है वो शायद आई थिंक कि सन फार्मा के शेयर के फॉल के लिए जिम्मेदार है, और साथ में वो लोग भी जिम्मेदार हैं आई थिंक कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके ऐसे बड़े बड़े कंपनीज के शेयर्स को शॉर्ट करते हैं, तो आई थिंक कि लोगों ने या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने वेट करना चाहिए था कि सेबी का इस पर जो स्टैंड आ रहा है कि सच में वो वर्थ मानते ये इन्फॉर्मेशन की शेयर इज नॉट गुड दे आर इट इज़ अ पनिशेबल और समथिंग, तो वो भी उन्होंने वेट करना चाहिए। तो ये बहुत कन्फ्यूजन वाला मामला है, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे भेजिए या फिर बताइए, या फिर मेरा कुछ अंडरस्टैंडिंग गलत हो रहा है तो प्लीज़ करेक्ट मी फॉर दैट ऑल्सो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक, एंड इफ़ यू डोंट लाइक इट प्लीज़ क्लिक ऑन द डिसलाइक। और जो भी वीडियो होता है उसके नीचे ओपन करने के बाद लिंक होती है एक शेयर करके, तो उस पर क्लिक करके आपके फ्रेंड्स के साथ वगैरह भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप चाहिए तो मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स पे जैसे कि हेडलाइंस रिव्यू हाउ टू गाइड वगैरह मैंने बना के रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और कोई एस्पेक्ट है ये सन फार्मा पूरे स्टोरी में, और मेरा तो बेसिकली पॉइंट ये था कि एक्चुअली इनका इनसाइडर जो कॉरपोरेट गवर्नेंस इशूज है इतनी अच्छी कंपनी के ऐसे तो होना नहीं चाहिए, तो ये कब तक चलेगा, हम लोग मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो कितना उसको कितना स्ट्रेच करेंगे, आप उसको कितना फोर्स करेंगे कि उसके पेशेंस की एक्चुअली ये टेस्ट ले रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो भी इसमें इन्वेस्टेड है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यूज इसके ख़त्म हो जाएंगे फिर वो डिसाइड करेगा कि मैं इसमें रहूं कि नहीं रहूं। तो आई थिंक सन फार्मास्यूटिकल्स को भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है रैदर देन जितने वो हैं, और उनके जो आई होप कि आगे ऐसे इश्यूज ना आए सन फार्मास्यूटिकल्स को। लेट्स सी मंडे ये शेयर कैसे खुलता है और सैटरडे संडे इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आता है। और कभी भी एक आपको भी मैं एक छोटा सा एडवाइस देना चाहता हूँ, कभी भी आप अगर कोई न्यूज़ देखते हैं या फिर कोई अचानक से शेयर्स में मूवमेंट आता है तो प्लीज़ उसके जो BSE में फाइलिंग्स होते हैं जो BSE खास करके पब्लिक के लिए अवेलेबल करा के देती है ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो वो प्लीज़ चेक किया कीजिए यहाँ पे वो होता है, तो उसके अंदर आपको बहुत सारा एक बेसिक बिलीवेबल फेक न्यूज़ छोड़ के जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो तो पता चल जाते हैं, फ्यूचर तो नहीं पता चलेगा मगर पास्ट और प्रेजेंट टेंस तो पता चल जाएगा। ओके this was all about Sun Pharma saga. Thank you very much for listening, Share Market Friend.